नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। विटामिन्स का क्वेश्चन है, जितने भी विटामिन का क्वेश्चन बन सकते हैं वो और आ सकते हैं या आए हुए हैं, सभी इसमें इंक्लूड हैं। 44 क्वेश्चन है, टॉप 44 क्वेश्चन विटामिन्स के हैं, जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देरी न किए करके। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आएगा उसके बगल में, उसे दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो और भी अच्छी अच्छी आए आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पे और हिंदी का भी टेक्स्ट सीरीज है, जीएस का भी टेक्स्ट सीरीज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका है रेटिनॉल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, आपका पाया जाता है गाजर में। ठीक, प्रचुर मात्रा की बात कर रहा है तो गाजर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, इसी इसका नाम कोबालामीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ये जरूरी है, जिसका नाम है रेटिनॉल। अभी क्वेश्चन फर्स्ट आप देखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का आपका रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या है, थाइमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरीबेरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B2 का कह रहा है रासायनिक नाम, तो विटामिन B2 का राय वो फ्लेमिन हो जाएगा। विटामिन बी केवल कहेगा तो उसका हो जाएगा आपका थाइमिन, यदि विटामिन B2 कहेगा तो आपका हो जाएगा राय वो फ्लेमिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होठों के किनारे किस विटामिन के कारण फट जाता है। जो होठों के किनारे फट जाता है वो किस विटामिन के कारण फटता है, तो होता है विटामिन B12, B2। और B2 का भी नाम आप लोग जाने हैं, क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के यकृत से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, B, K और विटामिन ई और सी, डी और सी, डी और ए। तो कौन पाया जाता है, तो विटामिन डी और ए, विटामिन डी एंड ये दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मछली के यकृत में। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकार या मंद बुद्धि व पेलाग्रा रोग, यहाँ पे रोग हो जाएगा, रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B3 की कमी से। इसका नाम क्या है विटामिन B3 का, इसका नाम है नियासिन। ठीक है, चलिए एक लोअर में भी पूछा गया था, लोअर 2019 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यह होता है आपका विटामिन B3, जिसका नाम है नियासिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका है पाइरेडॉक्सिन। क्या नाम है, पाइरेडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, अभी पीछे भी बताया था साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। क्या है, स्कार्बिक एसिड, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेराल। क्या नाम है, कैल्सीफेराल, इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको 2 या 3 बार देख लेंगे आपको, आप तो इसे रटा जाएगा आपको, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा विटामिन से चाहे जो क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेराल। क्या नाम है, टोकोफेराल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेराल। क्या नाम है, कैल्सीफेराल, विटामिन के से
कैल्सी आ रहा है तो कैल्सीफेराल हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ए। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर में शरीर को बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, शरीर में है यहाँ पे में होना चाहिए, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है, आपका है विटामिन ई, जो सुंदरता विटामिन है वही नष्ट भी कर देता है जितने भी हानिकारक रसायन हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान दीजिए कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है कि नहीं नहीं ध्यान दिया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, ए पाया जाता है, के पाया जाता है और डी पाया जाता है, लेकिन सी विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए धुलकर नहीं खाना चाहिए, पहले ही धुल देना चाहिए फिर इसके बाद काटना चाहिए सब्जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक है, कौन है, विटामिन ए सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज किए थे आपका फंक, कब किए थे, 1911 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है दोनों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, कब किया गया था, 1911 में, और किसने किया था, तो फंक ने किया था। मेरा एक वीडियो है विटामिन का जिसमें थियरी है, वो विजुअल सही नहीं है लेकिन आइडियो सही है, उसे आप सुन सकते हैं, उससे बाहर लगभग कुछ नहीं क्वेश्चन, ये एमसीक्यू करा दिया था ताकि बहुत ही डिमांड थी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन बी और ए की खोज, दोनों की खोज थे आपके, किसने किया था, तो आपका यहाँ पे मैकुलन, रॉबर्ट हुक, न्यूटन, ग्राहम वेल, इसमें से कौन थे, तो आपके थे मैकुलन, कौन थे, मैकुलन, विटामिन ए और बी, ए एंड बी दोनों की खोज किए थे मैकुलन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विटामिन सी की खोज किसने किए थे, तो विटामिन सी की खोज हाउकट ने किया था, कौन थे, हाउकट, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, मेन मेन जो विटामिन हैं उनके खोजकर्ता के नाम भी पूछ लिया जाता है, सभी के तो नहीं लेकिन कुछ के जो हैं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, एक कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कहाँ रहता है, यकृत में होता है, भंडारित होता है, रुकता है जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतौधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौधी रोग होता है आपके विटामिन ए की कमी से कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, रतौधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो होता है आपके विटामिन ए की कमी के कारण। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो होती है आपकी विटामिन ए, ऐसा है ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है लेकिन संरक्षण जरूर प्रदान करता है और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगते हैं, तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगते हैं आपके, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, जिसका नाम है, रोग का नाम है स्कर्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग होता है आपके विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, अभी बताया किसकी कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाँझपन की खतरा बढ़ जाता है, तो यह है आपका विटामिन ई है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कौन सा जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी और बी, विटामिन सी एंड बी
जल में घुलनशील हैं, और जितने भी बाकी वो जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील हैं। जल में कितने कौन कौन है? विटामिन सी और विटामिन बी, विटामिन बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अभी पीछे ऊपर ही बताया था, वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं आप कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, अभी बताया था पीछे वीडियो में, किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। इससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये रक्षात्मक रक्षा प्रदान करता है शरीर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपका? विटामिन को कहा जाता है। सहायक आहार, आहार में सहायक होता है, ताकि आहार के ही जरिए रक्षात्मक पदार्थ शरीर में जाते हैं और नकारात्मक और हानिकारक हार्मोन से हमें बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वो है विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, उसका कान क्या नाम है आपका? वो नाम है आपका विटामिन सी। किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता है विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है आपका अरक्तता या एनीमिया रोग कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है, कहाँ पे अनिवार्य है? आपका भोजन से कैल्शियम, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण में, नहीं ये गलत है आपका। इसके बाद है ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए, भी गलत है। मजबूत और स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए एकदम ये सही है। ठीक है ना, मजबूत व स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य रूप से सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन है? तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला है कौन सा? आपका विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बहुत लोग जब पीछे बताया होगा तो जरूर आप सोचे होंगे कि ये नहीं बता रहे हैं कि क्या है स्रोत विटामिन ई का। देख लीजिए, विटामिन ई का स्रोत क्या है? गेहूं के अंकुर का तेल, सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ए के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका स्रोत है प्रचुरतम स्रोत है? यह है आपका विटामिन ए का। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो मोस्ट मोस्ट जितना भी मोस्ट कहा जाए उतना कम है, ये पूछा जा चुका है जितनी बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन का जो बीन्स होता है, दाना होता है, उसका बीज होता है, वही सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।